उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारी जो चुनावी यात्रा है वो आज हरदोई में है। इसके पहले हमने कई सारे जिलों के दौरे किए और ये जानने की कोशिश की कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस बार जो हवा है वो आखिर किस तरफ जा रही है। हरदोई की बालामो विधानसभा सीट और यहाँ पर चुनावी समीकरण जानने की कोशिश लगातार हमारी तरफ से की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस बार यहाँ से क्या रणनीतियां तय की गई हैं, क्या तैयारियां हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर बीती 5 साल की सरकार में बीजेपी ने काम नहीं किया, मौजूदा विधायक ने कितना विकास किया और क्या चीज इस बार इस विधानसभा के लिए काफी अहम है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से रामबली वर्मा साहब को प्रत्याशी बनाया है। वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 5 सालों में मौजूदा विधायक ने कितना काम किया, मौजूदा सरकार से ये लोग, यहाँ की जो विधानसभा की जनता है, कितना खुश है और कौन कौन सी वो प्रमुख समस्याएं हैं जिनसे यहाँ की जनता अभी भी लगातार रूबरू हो रही है तमाम शिकायतें करने के बाद भी। हमारे साथ रामबली वर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको ये जिम्मेदारी दी गई है इस बार यहाँ से समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए, जनता के बीच लगातार आप जा रहे हैं, क्या समीकरण इस बार बन रहा है? क्योंकि 5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने काटा और बीजेपी साफ तौर पर इस बात को कह रही है कि हमने जो बेहतर काम किया है वो काम किसी भी सरकार ने नहीं किया हो। समाजवादी पार्टी को लगातार इस बात से कहा जा रहा है कि गुंडों की सरकार थी। आप क्या इस बात को मानते हैं, कितना सहमत है? और दूसरी चीज, इस क्षेत्र के विकास की बात करी जाए तो 5 साल में कितना हुआ? ये कहना कि सपा जो है गुंडों की सरकार है, ये बिल्कुल गलत बात होती है। कभी भी सपा में गुंडागर्दी नहीं होती। हाँ, गुंडागर्दी जहाँ हो रही है उसको रोकने के लिए समाजवादी जो है वो तैयार रहता है, हमेशा उसका विरोध करता है। इसके कारण से दूसरे लोग बदनामी करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, तो बालामऊ जो क्षेत्र है ये ग्रामीण क्षेत्र है और बालामऊ विधानसभा के अंदर कृषि प्रधान ही सब होने के कारण जो है जहाँ जहाँ संपर्क मार्ग हैं वो खराब हैं। यानी कि किसान भी अगर अपनी उपज को ले जाता है तो ट्रैक्टर वगैरह से जाता है तो सब सड़कें खराब हैं, उसमें दिक्कत होती है। चुनाव प्रचार के दौरान और टिकट मिलने से पहले मैंने पूरे क्षेत्र का एक भ्रमण किया था, तो उस भ्रमण में हमने ये पाया कि हमारी गाड़ी निकलने में भी दूर दराज के गाँव में बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि जो मौजूदा विधायक है उसके क्षेत्र में तो सबसे स्थिति खराब है। जहाँ के वो रहने वाले हैं उसके आसपास के 20 किलोमीटर में कहीं भी रोड अच्छे नहीं है, तो बल्कि इधर दूसरे क्षेत्रों में तो कुछ काम हुआ है लेकिन उनके क्षेत्र में तो बिल्कुल ही विकास नहीं हुआ, जिसके कारण से जनता बहुत परेशान है। दूसरी, हम अगर अवसर पाते हैं तो हम निश्चित रूप से प्रायोरिटी हमारी रहेगी जो भी छोटा कस्बे गांव हो, कहीं भी दूर दराज का भी गाँव हो, वहाँ तक के लिंक मार्ग जो है वो बिल्कुल ठीक हो, यानी कि गाड़ियाँ ट्रैक्टर आज जो है बड़े आराम से वहाँ जा सकें, आवागमन में कोई परेशानी ना हो और जो कृषक अपनी उपज पैदा करता है उसको मंडी वगैरह ले जाने में असुविधा ना हो। ठीक है, सकरे रास्ते हैं यहाँ पर। मैं अभी आ रहा था तो काफ़ी मशक्कत करते करते हमारी टीम जो है वो यहाँ तक पहुँची है। पता चला कि आप यहाँ पर संपर्क कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, जनसंपर्क आपका लगातार जारी है डोर टू डोर जा करके। सकरे रास्ते हैं, रोडों की कनेक्टिविटी नहीं है, जितनी रोड बनी है वो भी गड्ढे उस पर काफी तादाद में है। सरकार ने कहा था कि गड्ढों को भर दिया गया है, भर दिया जाएगा, बात सही है, कितनी हुई? दूसरी चीज, किसानों की बात कही जा रही है, किसान क्या नाराज है? सरकार तो कह रही है कि किसान हमसे कभी नाराज नहीं हुआ, जो आंदोलन हुआ था उसमें भी किसान नहीं थे, वो कुछ और विपक्षी दलों के लोग थे जिन्होंने वो आंदोलन किया था, तो किसान नाराज है? नहीं, ये जुमलेबाजी केवल है कि वहाँ पर किसान नहीं थे, 700 से ऊपर किसानों की शहीद हो गए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि किसानों ने 1 साल तक संघर्ष किया, किसानों की कोई बातें नहीं सुनी जाती हैं, यहाँ तक कि MSP भी लागू नहीं की गई थी जिससे किसान परेशान है। दूसरे, सांड जो है खुला घूम रहे हैं पूरे क्षेत्र में, आदमी एक घर का सदस्य जो है रात भर खेतों में पड़ा रहता है तब जाकर के अपनी खेती की सुरक्षा कर पाता है, ये किसान इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तत्काल गवर्नमेंट बदलने के बाद इस पर अंकुश लगाया जाएगा और किसानों को अपना हक मिले, घर में सोएं, ये नहीं कि किसान जो है रात भर जो है बाहर सोए। नौजवान जो है बहुत ही परेशान है इस वजह से और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार निश्चित रूप से इसका निदान करेगी। अच्छा, ये बीजेपी के कई सारे नेता लगातार इस बात कह रहे हैं कि आप लोग उन लोगों के ऊपर हमले करवा रहे हैं, क्या आप लोग हमले करवा रहे हैं? आप लोग क्यों हमले करवा रहे हैं, पहला सवाल ये है, और अगर हमले हो रहे हैं तो क्या आप लोगों की तरफ से करवाए जा रहे हैं? ये आपके चैनल से पहली बार मैं सुन रहा हूँ इस तरह की बकवास ये लोग करते हैं। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मैं एडिशनल कमिश्नर सेल टैक्स रहा हूँ, ये एक प्रांतीय सेवा की बहुत ही रेपुटेड सर्विस थी जिसमें मैंने पूरे काम किया है, 5 साल पहले मैं रिटायर हुआ हूँ और
किसी के ऊपर हमले कराने की बात है, दूसरे गुंडे लोग इस तरह की बात करते हैं जिनके क्षेत्र से पूरी दहशत है, क्षेत्र में पूरी दहशत है उस परिवार की, अगर ऐसा कोई कहता है तो बिल्कुल नितांत गलत बात है। उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जो इस तरह की बात करता है। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ ऐसे आदमी को बेनकाब किया जाए जो इस तरह की बात करता है। सपा का आदमी अन्याय नहीं बर्दाश्त करेगा, लेकिन कहीं किसी पर वो हमले नहीं कराता है, ये बिल्कुल गलत बात है जिसने भी अफवाह उड़ाई है। अच्छा, कोशिश करी जा रही है एक और चीज़ है, यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले एक माहौल बहुत ज़्यादा गर्म किया गया था हिजाब को लेकर के, हिंदू मुस्लिम को लेकर के, अखिलेश जी का बयान जिन्ना को लेकर के, तो ये जो पोलराइजेशन करने की कोशिश थी, हिंदू मुस्लिम को एक बार फिर से बांटने की कोशिश थी, और उसके दौरान ये कहा गया अयोध्या मथुरा ये सारी चीज़ें भी उठाई गई, वाराणसी को उठाया गया, तो क्या इनसे भी कुछ फ़ायदा मिलेगा, जनता बीजेपी की तरफ जाएगी या कुछ और मन बना रखा है? देखिए, देश की जनता बहुत समझदार है, ये जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए अयोध्या और काशी और मथुरा का, ये केवल हिंदू लोगों को गुमराह करने की भावना है। ये गंगा यमुनी तहजीब है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बराबर सैकड़ों सालों से एक साथ रहते आए हैं, यानी कि शादी ब्याह में हम लोगों की सबकी शादियों में मुसलमान का भी रोल होता है, ऐसी कोई शादी नहीं होती है जिसमें मुसलमान का रोल ना होता हो। ये हिंदू मुस्लिम को बांटने के अलावा इनके पास कुछ रहा ही नहीं है, इसलिए बार बार लोगों को उकसाने का काम करते हैं, जो एक सामाजिक बुराई है। किसी भी व्यक्ति को समाज में बांटने का काम नहीं करना चाहिए, और ये सरकार जो है बिल्कुल जुमलेबाजी की सरकार है, और ये चाहती है कि हिंदू मुस्लिम एक ना रहें, ये इसलिए बहुत गंदी बात है। हमारी समाजवादी पार्टी में सभी धर्म के लोग हैं और सभी लोगों को बराबर सम्मान की दृष्टि से यहाँ पर देखा जाता है। हमने समाजवादी पार्टी ऐसे नहीं चुनी है, एकदम पढ़ लिख के बाद में हमने जब देखा कि भाजपा जो है देश को जातियों में और धर्म के अंदर बांटने में लगी हुई है, तब हमने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली, क्यों समाजवादी पार्टी में कभी भी किसी भी जाति धर्म के ऊपर कोई बात नहीं होती है, इसमें पूरी तरह से सबको सम्मान मिलता है। क्षेत्र की जनता के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप उनके बीच में जा रहे हैं, वो आपको अपनी समस्याएं बता रहे हैं, उन समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, बिजली कैसे बेहतर होगी, स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर होंगी, साफ सफाई कैसे होगी, रोड की कनेक्टिविटी हो गई, रोड का चौड़ीकरण हो गया, इन सब समस्याओं से आप रूबरू लगातार हो रहे हैं, जनता आपको बता रही है, जीत कर आते हैं सरकार बनती है तो कितनी जल्दी इन सब चीज़ों पर काम किया जाए? जीत कर आने के बाद पहला मेरा कार्य होगा कि मैं प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके जिन जिन मसले ऐसे आते हैं, जैसे कि ये आपने बताया कि संपर्क मार्ग टूटे हैं, तो उनके इंजीनियर्स को बुला करके मैं उसकी समीक्षा करूंगा कि कैसे कार्य को सुधारा जाए। दूसरी चीज़ है कि पुलिस का आपने नाम नहीं लिया, लेकिन पुलिस से काफ़ी लोग यहाँ त्रस्त रहते हैं। अच्छा। क्यों, ग्रामीण जनता है, निरीह लोगों को परेशान किया जाता है, चोर उचक्के मौज करते हैं, इस पर अंकुश लगाने का हमारा प्रयास रहेगा। और क्या रहेंगे नतीजे, क्या रहेंगे, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम 300 प्लस एक बार फिर से जाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, समाजवादी पार्टी का क्या कदम है, क्या नतीजे आ रहे हैं इस बार? ये अभी दो चुनाव हो चुके हैं, दो चरण के, उससे स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उनका दावा जो है 300 से ऊपर उसी तरह से जुमला साबित होगा जैसे उनके विकास कार्य का जुमला साबित हुआ है, विकास कार्य नाम जीरो है, और ऐसे ही वो कहाँ जाएंगे 10 मार्च के बाद ही आपको पता चलेगा। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे रामबली वर्मा साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस विधानसभा में अभी तक बेहतर काम नहीं हुआ है, रोड की कनेक्टिविटी की बात करी जाए या फिर कई सारी प्रमुख बातों को किया जाए विकास को लेकर के, तो वो अभी तक बेहतर नहीं हुआ है और उन्हीं पर काम करेंगे अगर ये जीत कर आते हैं। साफ तौर पर उन्होंने इस बात को भी कहा है कि बीजेपी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे बिल्कुल निराधार हैं, कोई भी विकास नहीं हुआ है, और अगर विकास कोई कर सकता है उत्तर प्रदेश में तो वो समाजवादी पार्टी है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो